एक घना जंगल जहाँ केवल जानवरों का राज चलता है, और अचानक इसी जंगल में इंसानों की भागदौड़ होने लगती है। जहाँ इंसान यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, वही एक महिला थी जिसके पास उसका बच्चा था। तभी यहाँ पर शेर खान आता है। ये उस महिला पर हमला कर देता है। शेर खान ने सभी इंसानों को मार दिया था। और कहानी की शुरुआत यही से होती है। उसी जंगल में एक बच्चे को दिखाया जाता है। उसके पास एक काला पेंथर आता है। ये पेंथर बच्चे को देखता है, जिससे उसका दिल पिघल जाता है। ये उसी महिला का बच्चा था जिस महिला को शेर खान ने मार डाला था। अब पेंथर उस बच्चे को उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाता है। ये पेंथर बहुत ही दयालु था, और वो पास की झाड़ी में छुपकर पूरी रात उसकी रखवाली करता है। अब यहाँ पर सुबह होती है। उसी बच्चे के पास कुछ भेड़िए आते हैं। ये भेड़िए इस बच्चे को देखकर हैरान थे, लेकिन ये लोग भी बहुत दयालु थे, और ये सभी भेड़िए इस बच्चे की परवरिश करने की ठानते लेते हैं। तभी वहाँ पर एक लकड़बग्घा आता है। ये इसी लड़के का शिकार करने के लिए आया था, लेकिन भेड़िए उसे ललकार कर भगा देते हैं। और अब सभी भेड़िए उस बच्चे को अपने सरदार के पास लेकर जाते हैं। भेड़ियों का सरदार कहता है कि इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा। तभी वही भेड़िया कहती है, मैं करूंगी इसकी परवरिश। लेकिन भेड़ियों का सरदार कहता है कि जंगल का एक नियम है, ये एक इंसान का बच्चा